इंशाल्लाह ताला मैं अंकल रजा के साथ। किधर जा रहे हैं अंकल? हम जा रहे हैं ओल्ड भलवार रोड के भलवाल की साइड पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम आपको एक दो फैक्ट्री करवाएंगे, अच्छी भी बुरी भी, और ऐसे तीनों के पास। उसके बाद देखेंगे टाइम हुआ तो फिर हम भलवाल क्रॉस करके एक और साइड पे जाएंगे, भलवाल के साथ ही जगह। और इस टाइम मुझे अंकल गाइड कर रहे हैं और अंकल मुझे मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और मुझे सिट्रस फैक्ट्री लेके जा रहे हैं और उनकी सारा प्रोसेसिंग दिखाएंगे। रात में हम अपने एक साथी को साथ लेंगे। Over the horizon. Over the horizon. अपनी ऑरेंज वाली फैक्ट्री में और मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से हम ये करेंगे। और इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ से प्रोसेस होने लगता है। तो यहाँ से ये फिलिंग करते हैं इस तरीके से, मालता है इसको स्टोर करते जाते हैं। यहाँ से चलता हुआ जाता है, यहाँ मशीनरी लगी है तो वॉश करेगी सर। और वॉश होने के बाद यहाँ पे ड्राई होगी अंकल, इधर से ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ये ड्रायर्स लगे हुए और ये पूरे ड्रायर्स है। और इधर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे वैक्स लग रही है। और ये यहाँ पे ड्राई होगी अंकल, और इसी को हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ सब ये निकलना शुरू होंगे और ये पॉलिश आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षित करेंगे ये लोग, आगे ये ग्रेडिंग होगी कि कौन सा जो है माल्टा सूटेबल है इस चीज के लिए। अगर कोई चीज खराब होगी तो वो इसको फोर करते जाएंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने एक डाला, यहाँ पे क्या होगा अंकल? ग्रेडिंग होगी कि किस साइज का है माल्टा ऑरेंज। इधर से ये साइज को चेक कर रहे हैं, जो इस साइज से छोटा माल्टा है वो वहां से स्पेल्ड आउट हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे। प्रॉपर ऑरेंजेस हैं वो आगे इधर आते जाएंगे। और ये अब यहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं साइज के मुताबिक, कि जितने जितने ये साइज होंगे उस हिसाब से ये किया जाएगा। यहाँ पे फिलिंग होगी, इस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। और एक में कितने ऑरेंज माल्टे आ जाते हैं जी? 28 माल्टे एक लेयर में। और एक उसमें कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 110 होते हैं जी इसमें। और ये इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं सर। This is what all Falgoda about. इसी तरीके से जैसे ये वाला काम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे माल्टे जाएंगे, माल्टे इस तरीके से डिवाइड होते जाएंगे। और जैसे ही माल्टे डिवाइड हो जाएंगे उनके साइज के मुताबिक उनके रेट्स होंगे। और 110 माल्टा एक इसमें बॉक्स में आते हैं
और इसी तरीके से यहाँ पे फिलिंग करते हैं और ये खुद ही हैंडमेड बनाते हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से पेपर लगाते हैं ताकि ये कर सके इसको। ये अभी रिटेल वाले हैं, जो स्टोर वाले हैं वो डिफरेंट बॉक्स में आते हैं, और इस तरीके से पॉलिश जो है इसको प्रोटेक्ट रखती है। जाएगा किधर ये वाला मेनली, किस जगह पे जाना है? ये लोकल मार्केट में, लोकल मीन ये कराची जाएगा, ये कोयटा जाएगा, ये शक्कर जाएगा, हैदराबाद, कितनी मंडी है। और जो एक्सपोर्ट वाला वो किधर से होता है सर? वो एक्सपोर्ट वाला जो है वो नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट जहाँ पे आपको मिलेगा ना कार्टन गाड़िया का, वहाँ पे एक्सपोर्ट का होगा। यहाँ यहाँ जो टोकरी मिलेगी प्लास्टिक की बनी हुई वो, या फिर आपको मिलेगी छोटी बेटी। स्टोरेज वाला बाद में करते हैं, ये स्टोरेज वाला भी है, ये स्टोरेज भी है और लोकल मंडी भी। और ये इसके कितने टोटल स्टेप्स है? ये वाला पहले वॉश हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, पहले वॉश होगा, वॉश हुआ क्या, वॉश होने के बाद ड्राई होगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद इसके ऊपर वैक्सिंग होगी, वैक्सिंग होगी, वैक्सिंग के बाद फिर ड्राई होगा, ठीक है, और ड्राई होने के बाद फिर इसकी ग्रेडिंग होगी, यानी इसके 6-7 साइज है, ठीक है, यानी वो शुरू होता है तकरीबन 5 मिलीमीटर से ऑनवर्ड, आप ऊपर चलते जाए हर 5 मिलीमीटर का ना ये फर्स आता जाता है, तो ये बड़ा होता जाता है। इस तरीके से ये बता रहे हैं कि हर 55 मिलीमीटर के साइज के डिफरेंस आने के बाद उसको बॉक्सिंग की जाती है और स्टोर करके, और किन्नू को इस तरीके से फिर यहाँ से शिफ्ट होते ही आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट सरगोधा इज ऑल अबाउट। इसका रेवेन्यू है कोई 75 to 80 बिलियन रुपीज। ये सिर्फ ऑरेंज जो है, और ये इस तरीके से जाता है अंकल, ये फिर आगे बॉक्सिंग यहाँ पे होगी, बॉक्स छोटे वाला, ठीक है, 10 किलो का है जी जी, ये वाला ये 10 किलो का है, ये वाला ये 10 kg वाला, ये वाला ये 10 kg है, ये 10 kg है, 12 kg है, ये लोकल के लिए। तो ये जो है अपनी रियासतें ना, रशियन रियासतें, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये उन जगह पे जाते हैं। ये वाला 12 kg रशिया, 10 kg रशिया जाता है, उसकी स्टेट जाएगा तो इसमें जाएगा, इस वाले बॉक्स में, कार्टन में, ताकि स्टोर होके फॉर्म में जाए, और स्टोर होके फिर जाएगा। अभी ये इस तरीके से फिर यहाँ पे फिलिंग होगी, फिलिंग हो रही है, ये अफगानिस्तान जाएगा, ये अफगानिस्तान भी रुक सकता है और ये आगे भी जा सकता है, अफगानिस्तान से तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, और फिर वो। और ये कितना रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को जी? ये 75 to 80 बिलियन रुपीज। और ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से, और इस दफा ज्यादा होगा, इस दफा क्या ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। और ये वाली बातें जो हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिली है, तो ऑरेंज को इस वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू देने वाले में से पहली में है, अब ये पहली 5 में आ गया कि एक्सपोर्ट में जी, एक्सपोर्ट में कि पहली 5 जो प्रोडक्ट्स है उसमें से ये एक बन चुके हैं, और हम इस तरीके से अब आगे ये आपको दिखाया है सारा। खान साहब आप किधर किधर सामान भिजवाते हैं माल्टा? हम तो काफी जगह पे इराक, लेमानिया, अज़रबैजान, बड़े मुल्कों में भिजवाते हैं। और कैसा रहा आपका? बहुत जबरदस्त मशहूर। अब काम इस दफा कैसा है जी? इस साल बहुत जबरदस्त है, पिछली दफा से बेहतर है, पिछली दफा से बहुत बेहतर है। और जो इस टाइम अभी आप लेके जा रहे हैं सामान, किधर लेके जाएंगे आप? अज़रबैजान। अज़रबैजान जा रहे हैं, चले जी, शुक्रिया, चलो ठीक, जज़ाकअल्लाह।